जब हम बात करते हैं अब नीचे प्राइवेट पार्ट का, प्राइवेट पार्ट में ये वीडियो देखने के बाद आप अपना मेडिकल खुद कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, और जो भी डिफॉर्मेटीज है आपके पास, आपको लगता है कि वो चीज गड़बड़ है, तो बहुत बार चेक होता है लिगामेंट जिनका बहुत ज्यादा लूज होता है या फिर लिगामेंट वगैरह आप इंजर्ड होते हैं। कोई अजय देवगन तो नहीं बन गया है? जय हिंद दोस्तों। जैसा कि भी आप देख रहे हैं हमारा प्री मेडिकल चल रहा है, और हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप SSC GD अग्निवीर या किसी अन्य का फिजिकल देना चाहते हैं, मेन टारगेट हमारा SSC GD का है, तो आपको मेडिकल भी क्वालिफाई करना होता है। और हम आपको बताएंगे कि मेडिकल में क्या क्या चीज़ें चेक होता है प्रॉपर तरीका से, आप किस तरह से बच सकते हैं, क्या क्या चीज़ वहाँ पर जाकर आपको दिक्कत समस्या ना हो। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे लड़के पॉइंट खाए हैं, अभी हम आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से बच सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इस तरह का बाल कटा के नहीं जाना है, ठीक है, समझ रहे हो? बाल वाल नॉर्मल रखोगे, ये अभी हमारे पास नया ही ज्वाइन किया है इस वजह से ये है, और अपना सारा बाल वाल नॉर्मल प्राइवेट पार्ट वगैरह का छील के जाओगे, पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़, सबसे पहले हम बात करते हैं आँख का, तो आँख में क्या चेक होता है आपका? 6x6 भी हमने चेक किया आपका, चेक किया नीचे में पढ़वाया ना अभी। उसके बाद आपका फोकस चेक होता है, फोकस पेन वाला। उसके बाद आपका क्या चेक होता है? कलर विजन, कलर ब्लाइंडनेस, ये तीन चीज हो गया। चौथा चीज क्या होता है, अगर आंख वगैरह बहुत ज्यादा लालीपन आया वगैरह हो, या फिर जो वेंस है वो दिख रहा हो, ट्रीटमेंट आपने कराया अच्छे से सक्सेसफुल तरीका से ना हुआ हो, तो वो चेक करता है, ठीक है। आप लेजर ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं कि नहीं बताइए? करवा सकते हैं, लेकिन अच्छे डॉक्टर से करवाना है, ठीक है, हम आपको बता देते हैं। उसके बाद आते हैं कान में, कान में क्या चीज चेक होता है भाई? सबसे पहले बहना नहीं चाहिए आपका कान, दूसरा चीज पर्दा ठीक ठाक होना चाहिए, तीसरा आपका हेयरिंग, सुनने की शक्ति है वो सही होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ इधर आ जाओ। अभी हमने आपका टेस्ट लिया ना कान का? यस सर। अभी मशीन से भी चेक किया हमने, आपको बह रहा है वो भी चेक किया, और साथ में हेयरिंग अभी एक यहाँ पर कागज रख के रब करके हमारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे वो चेक किए ना? यस सर। तो वही चीज चेक होगा। अब बात आ गया आपका नोज का, नोज में क्या चेक होता है? डीएनएस में क्या, जो नाक की हड्डी है वो टेढ़ा तो नहीं हो गया, या फिर अंदर में मसल्स नहीं तो बढ़ गया है, ये चीज चेक होता है, ठीक है। अब आ गए दांत, दांत में बहुत ज्यादा क्वेरी आता है बच्चों का कि सर मेरा दांत 32 है, मेरा दांत 26 है, 25 है, टूटा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, तो टेढ़ा है मेढ़ा है तो चल सकता है, ठीक है। मिनिमम कितना दांत होना चाहिए? 28, ठीक है, मैक्सिमम 32, 34 भी चल सकता है, ठीक है, किसी किसी का ज्यादा भी दांत होता है। उसके साथ साथ आपका जो दांत है, आ करो बोलो, सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, जैसा कि भी आप देख पा रहे हैं, ठीक है, आपका मसूड़ा सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं पायरिया। अगर ये रहा, अगर दांत अच्छे से साफ नहीं रहा, तो यहाँ भी आपको पॉइंट मिल सकता है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद आपका इसमें और क्या चेक किया जाता है? बोलना, आवाज, जैसा कि भी आप देख सकते हैं बच्चे उठ उठ के जा रहे हैं, वहां पर हम हेमोग्लोबिन टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी इनका प्री मेडिकल बैच हो चुका है, प्री मेडिकल खत्म हो चुका है, हम आपको ये बताएंगे प्रॉपर तरीका से क्या इनको दिक्कत समस्या है। रील पे जो बने हैं वो रील पे बने रहिए, अभी हम आपको बताते हैं दांत में क्या चेक होता है। अगर दांत किसी का ज्यादा है, किसी का एक्स्ट्रा है, ऊपर में चढ़ा हुआ दांत है किसी का? है अभी नहीं, कोई किसी का नहीं था? इधर आओ, दौड़ के आओ, दौड़ के आइए, कोई बात नहीं। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह का अगर दांत है तो किसी भी तरीका का दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप फिट है। बहुत लोग क्या करता है, सोना का दांत लगवा लेता है, बैठिए, तो उसमें क्या है, पॉइंट है? एकदम पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट मिलेगा। सोना का दांत नहीं लगाना, एक कलर का दांत लगा हुआ, ठीक है। अब दांत के बाद हमारा हो गया नोज, हो गया मुंह, हो गया गर्दन, गर्दन में क्या चीज चेक होगा? गर्दन में चेक होता, कोई अजय देवगन तो नहीं बन गया है? ठीक है, पुष्पा भाव या अजय देवगन, अगर यहां से डिफॉर्मेटी रहा। उसके बाद क्या चेक होगा आपका? शोल्डर, ठीक है, शोल्डर बैलेंस तो नहीं है, ऊपर नीचे तो नहीं है, चढ़ा हुआ तो नहीं है, वही पुष्पा भाव, ठीक है। उसके बाद ये जो कॉलर बोन रहता है, क्लेरिकल बोन, ये जो बोन रहता है बहुत लोगों का टूटा हुआ रहता है, बहुत बार ऊपर की ओर दिखता है, ये चीज चेक होगा। उसके बाद क्या चेक होगा यहाँ के बाद? अब हम बात करते हैं हाथ का, हाथ में क्या चीज चेक होता है आपका? कैरिंग एंगल, ठीक है, कैरी एंगल में आपका 4 डिग्री से लेकर 16-17 तक मान्य है, ठीक है, उससे ज्यादा अगर आपका होता है तो आपको पॉइंट दे दिया जाता है। और नेक्स्ट है लचक, लचक का पॉइंट अभी हम किसी को दिए थे ना, खड़ा हो जाओ, किसका, किसको दिए थे, फोटो देख सकते हैं, लचक, हाइपर एक्सटेंशन एल्बो, ये भी एक मेडिकल पॉइंट है, बैठिए,
कैसे ठीक करना है इसके लिए अलग अलग वीडियो बनाया जाएगा। उसके अलावा उंगली, उंगली अगर आपका टेढ़ा मेढ़ा रहा तो, अगर उंगली टेढ़ा रहा तो, ऐसे रहा तो, ऐसे रहा तो पॉइंट मिलेगा, ठीक है। आप भी समझिए, आपको भी प्रॉपर तरीका से समझना है। और जैसा कि भी आप देख सकते हैं, मैं इंडियन आर्मी मेडिकल खुद फिट हूँ, मेरा भी उंगली टेढ़ा था, लेकिन हमको जब वापस से मेडिकल में ही एक डॉक्टर ने अनफिट किया था, और नेक्स्ट जब लास्ट जब फाइनल जब होता है तो वहाँ पर जो मेन डॉक्टर आया था वो फिट कर दिया था। तो अगर आपका भी उंगली टेढ़ा मेढ़ा है, बहुत माइनर सा है, तो चल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या चेक होगा आपका, कैरी एल्बम बता दिए, लचक बता दिए, यहाँ चेस्ट में क्या चेक होगा, ग्राइनो, ग्राइनोकोमेस्टिया, ठीक है, देखे हो ना, ग्राइनो बन जाता है जैसा कि आप देख पा रहे हो वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, आपका दोनों निप्पल दोनों लेवल पे है कि नहीं, ऊपर नीचे तो नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर चेस्ट किसी का अप बैलेंस तो नहीं है, किसी का इधर ज्यादा बड़ा, इतना छोटा, एकदम पतला सा, माइनर हो चल जाएगा, 19-20 हो चलेगा, 20-25 नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा किसी का एप्स है, किसी का एप्स नहीं है, उससे कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस एप्स रहता थोड़ा स्मार्ट लगता है, आदमी फिट लगता है, ये चीजें हैं। नेक्स्ट हो गया इधर बैक, रीढ़ की हड्डी में क्या चीज चेक होता है, डाउन, डाउन हो जाओ, अगर कोई उठा उठा रहा, टूटा रहा, ऊपर अच्छे से नहीं जुड़ा रहा, तो तीसरा चीज में तीन डिसेबिलिटीज आते हैं, क्या क्या, पहला हो जाएगा तुम्हारा काइफोसिस, ठीक है, काइफोसिस में इस तरह से हो जाते हैं हम लोग, आगे की ओर झुक जाते हैं, एक होता है लोडोसिस, इस तरह से आगे की ओर हो जाते हैं, एक होता है स्कोलोसिस, ऐसा हो जाता है हमारा, ठीक है, ऐसे हो जाएंगे। ये तीन डिफॉर्मेटीज अगर आपका रहा तो आपको पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट, यहाँ तक सब कुछ ओके है सभी को, सर कुछ छूटा यहाँ पर अभी तक, सर यहाँ से नीचे से लाते लाते यहाँ तक, सिर्फ बाल इसका स्मार्ट वाला बाल है बस, ठीक है, ये बोल दिया गया फिजिकल देने जाएगा, आराम से कटा के जाओगे, ठीक है, फिट होके जाओगे। नेक्स्ट चीज है तुम्हारा इधर पीछे आगे सब कुछ हो गया, सर जब हम बात करते हैं अब नीचे प्राइवेट पार्ट का, प्राइवेट पार्ट में क्या चेक होगा, सबसे पहले हाइड्रोसिल, अब किसी का ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसको हाइड्रोसिल मान लीजिए, अगर नॉर्मल है कोई दिक्कत नहीं, बड़ा छोटा हो ज्यादा तो दिक्कत है, कितना बड़ा छोटा, हल्का फुल्का चलता है सभी का, नॉर्मल थोड़ा मोड़ा 19-20 रहता है, किसी का इतना है ये कितना है, ठीक है, दोनों इतना है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा छोटा हल्का हल्का है जैसा कि आप देख पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। और उसमें क्या होता है आगे जो तुम्हारा लिंग रहता है, पेनिस रहता है, उसमें क्या चीज चेक होता है, छेद सही जगह पे है कि नहीं, और किसी किसी का ये भी चेक होता है अंडकोश जो है वो दो है कि नहीं, किसी का एक भी हो सकता है, तीन भी तो नहीं है, ये सब भी चेक होता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या चेक होता है, जो नली है, छिद्र है, होल प्रॉपर जगह पे है कि नहीं है, ये चीज चेक होगा। पीछे बवासीर चेक होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद नीचे तुम्हारा नॉक नीज चेक होगा, बहुत सारे लड़कों का नॉकनी में दिक्कत ये रहता है कि अगर आप सीधा ऐसे आगे करके खड़ा रखते हैं तो आपका टच हो जाता है, तो आपको उस समय क्या टेक्निक करना है, सीधा टच करके रखिए, उस समय क्या टेक्निक फॉलो करना है, पीछे की ओर करके चेस्ट अप करके सीधा खड़ा रहना है, पूरा कॉन्फिडेंस, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम भी सटाना चाहें तो सट जाएगा, अगर हम इस तरह से खड़ा रहें हमको पॉइंट मिल जाएगा, अगर हम पीछे नॉर्मल करके खड़ा रहते हैं तो पूरी तरह से फिट है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। जिन लोगों का नॉकनी है आप पीछे करके प्रेस कीजिए, जैसा कि भी आप देख सकते हैं इतना गैप हो गया, और टच कीजिए, देखिए, तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे तरीके से बच सकते हैं, ये मेडिकल में पॉइंट आप ना खाएं, ये टेक्निक को आप उपयोग कर सकते हैं। नीचे तुम्हारा नॉक नीज चेक होगा, फ्लैट फुट चेक होगा, और उंगली पैर का चेक होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या चेक होता है, कुछ छोटा है सर, वेरिकोज वेन, जम करा के भी हमने आपका चेक करवाया ना, वही चीज चेक होता है वेरिकोज वेन, किसी का नस निकला हुआ है पीछे कोई दिक्कत नहीं, नस निकल के गुच्छा हो गया है उससे दिक्कत है, ठीक है, ब्लड अच्छे से नहीं जा पा रहा, तो और कुछ ऐसा हो जो छूटा हो, सब कुछ बता दिए क्या, हाँ फ्लैट फुट बता तो दिए, जिनका तलवा प्लेन रहता है उनका वो चीज चेक होता है। उसके अलावा बहुत बार चेक करते हैं लिगामेंट, नी का लिगामेंट, ठीक है, किसी का लूज लिगामेंट है, चलिए जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं ये चीज भी बहुत बार चेक होता है, लिगामेंट जिनका बहुत ज्यादा लूज होता है या फिर लिगामेंट वगैरह आप इंजर्ड होते हैं, तो अगर ये सारा चीज पॉइंट के अलावा कोई पॉइंट आपको ऐसा पता है जो चीज में दिया जाता है पॉइंट, अगर आपको ही पता, आप भी हमारे व्यूवर से कुछ ऐसा छूट गया हो तो आप बताइएगा, हमने 95-98% चीज कवर कर लिया है, जो भी चीज मेडिकल पॉइंट में दिया जाता है, जो भी मेडिकल पॉइंट होता है
बाकी कुछ एक आध पॉइंट छूट गया होगा तो वो बात अलग है, ठीक है। और इसके अलावा आपका क्या चेक होता है, चेस्ट का एक्सपेंडेशन, ठीक है, आपका हार्ट बीट, ठीक है, पल्स, वो चेक होगा। और जैसा कि भी आप देख पा रहे हैं हमने वहाँ पे हेमोग्लोबिन चेक करवा रहा है, ये चीज चेक होगा। उसके अलावा क्या चेक होता है, यूरिन, यूरिन में क्या चेक होता है, कोई हाँ येलो यूरिन, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। यूरिन जब भी टेस्ट होगा, यूरिन का टेस्ट हमेशा ध्यान दोगे कि पहला वाला यूरिन नहीं दोगे, थोड़ा सा यूरिन गिरा लोगे उसके बाद यूरिन दोगे, ठीक है। और पानी थोड़ा ज़्यादा पियोगे उस वक्त, ये चीज़ चेक होगा। दूसरा चीज़ आपका जो है एक्सरे भी होता है, एक्सरे कहाँ कहाँ का होता है, चेस्ट और बैक का, बैक और चेस्ट का एक्सरे होता है। तो यही मेडिकल जो पॉइंट दिया जाता है, यही पॉइंट दिया जाता है SSCED में। अगर आप भी SSCED मेडिकल के लिए परेशान थे तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पता चल गया होगा। ये वीडियो देखने के बाद आप अपना मेडिकल खुद कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, और जो भी डिफॉर्मेटीज़ है आपके पास, आपको लगता है कि वो चीज़ गड़बड़ है, तो उसका प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर तरह का एक्सरसाइज बताया जाएगा, किस तरह से उसको ठीक कर सकते हैं या फिर उसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा। और अगर आप हमारे पास जुड़ना चाहते हैं, एकेडमी आना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया गया, आप प्रॉपर आके जुड़ सकते हो, और सारा तरह का सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है, फिजिकल रिटर्न मेडिकल, आके जुड़ सकते हो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए। जैसा कि अभी आप देख सकते हो प्रॉपर यहाँ पर हमारा जो है SSCED का मेडिकल प्री मेडिकल खत्म हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट प्री मेडिकल जब भी लगेगा, बैठ जाओ, बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट बैठ जाओ, नेक्स्ट प्री मेडिकल जब भी हमें लगेगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो रखिए, ठीक है। तो बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, थैंक यू।